तो मासलेस भी हो सकते हैं क्या? वेटलेस मासलेस नहीं ना, बट हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं ऐसा बोल के चल रहे हो। तो दूसरी बात क्या है, और बुक का जरा वर्टिकल वर्टिकल भी जैसे हॉरिजॉन्टल भी जैसे कॉनिकल पेंडुलम वाला जो मोशन है वो क्या तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, और जब हम वर्टिकल में निकाले तो वेलोसिटी टॉप बॉटम और मिडवे निकाला था, टेंशन टॉप एंड बॉटम मिडवे निकाला था, उसका डिफरेंस निकाला था, याद आ रहा है? लाइक स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। अंडरलाइन करो का अलग काम का न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालने के लिए बोला? यहाँ से तुम क्या निकालना है बोला है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। तुम्हारे बुक में ये टॉपिक के लिए एनर्जी वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, तुमने वेलोसिटी और टेंशन निकाला है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला है, समझ में आएगा? व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। एंगुलर पोजीशन मींस क्या है? थीटा पोजीशन डिस्कस ना, एंगुलर पोजीशन थीटा भी निकालना है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। Determine the angular position of the string when the force due to tension is numerically equal to the weight of the stone. Use V is equal to 10 meter per second square and length of the string is 1.8 meter. For length of the string is 1.8 meter or G ka value hai 10 meter per second square. ठीक है? मैंने अभी तुमको दो तीन चीज निकालना है वहां पे। पहले तो निकालना है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और निकालना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बराबर है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के टॉपिक में हमने वेलोसिटी टॉप बॉटम मिडवे निकाला है और टेंशन निकाला है। अभी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला तो कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर। बट वेलोसिटी कौन सी? टॉप की बॉटम की मिडवे की ये प्रॉब्लम कितनी वेलोसिटी है? तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। अभी जब वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगा तब काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा रहेगी और कहां कम रहेगी? स्कूट रहे रहे क्या मार्क्स काइनेटिक एनर्जी किधर ज्यादा रहेगी किधर कम रहेगी रे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने ड्रॉ करके दिया था, ऊपर से जब नीचे आता तो पोटेंशियल कन्वर्ट हूँ काइनेटिक। तू कमी काइनेटिक के टॉप पे ज्यादा रहेंगे कैसन क्या रे किधर ज्यादा रहेंगे रे? हाँ ज्यादा रहेंगे ऊपर में बहुत ज्यादा रहेंगे काइनेटिक रहेंगे कि पोटेंशियल रहेंगे? काइनेटिक कैसे रहेंगे देख, अभी यहाँ पे ना वो टॉप पे तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक होगी, जब नीचे जाएगा तो काइनेटिक जीरो हो जाएंगे और पोटेंशियल ज्यादा हो जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक ना सॉरी काइनेटिक कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा रहेंगे टॉप पे और काइनेटिक समझ में आएगा?
भूल गया होगा नाइन के नाइन प्लस अवे प्लस अवी बट जब अपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक किया था तब मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक अपन ने लिया था ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि वेलोसिटी एट मिड वे निकालते समय मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक का यूज करके हमने निकाला था याद है और विदाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम नहीं निकाल सकते थे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको नहीं पता तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए हमको एनर्जी कितना है पता होना चाहिए बरोबर है ना तब मैंने बताया था वहां पे तुमने जो डायग्राम निकाला वहां पे लिखा पे इधर काइनेटिक ज्यादा किधर पोटेंशियल ज्यादा उसने बोला है कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो देखो थीटा इज टेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.8 मीटर व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल द फोर्स ऑफ टेंशन इज सेंट्रिपेटल फोर्स द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लीनियर द काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आर रेडियस आर इज काइनेटिक मैक्स एंड काइनेटिक मिनिमम आर द रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट ओके पोजीशन अभी देखो उसने क्या लिखा काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल एम जी आर वो एम जी आर नहीं है एम जी एच है क्या एच एच इज नथिंग बट द आर पोटेंशियल एनर्जी रेडियस है ना अरे जब यहां से जाएगा ऐसा ऊपर जाएगा लाइकवाइज समझा तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल कन्वर्ट टू काइनेटिक होगा यहां पे काइनेटिक मैक्स समझा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम जी स्क्वायर बोलते ना मैं तो आप बी के वैल्यू 8 दिया है क्या देखो ना गिवन में 8 मीटर पर स्पीड ऑफ लाइट तो ऐसा घूमेगा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो तो कुछ मिलेगा
है ना, तो मैक्सिमम से कुछ माइनस कर, अब मिनिमम के लिए होता तो अपने क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इधर लिखना पड़ेगा क्या, मोटा था तो लास्ट में माइनस थी ना, तो यहाँ पे अभी क्या करना, मिनिमम निकालना है तो वही कर देना सिमिलरली।
प्लस 0.28 क्यू का है। वैल्यू क्या बनता है इसमें बोला चल लगा रे चेक कर तू भाई अलगा 0.28 जूल
कैनेडी
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 और ये माइनस 64 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 यानी क्या होता इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.36 बराबर और इसको करके माइनस 0. माइनस है तो प्लस हो सर प्लस ऐसे भी कर सकते हैं 3.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस इधर 6.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 ऐसा बोल सकता हूं 3.6 प्लस 6.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 कितना होगा ये 10 to the power minus 1 सिखाना पड़ेगा तो फिर न्यूमेरिकल अभी तो बहुत बाकी है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट हो गया समझ आ गया लिखना है लिखना जल्दी से Thank you.
पहले यार डायग्राम पे देख, जब ये एमजी नीचे एक्ट होगा तो टेंशन किधर एक्ट होगा? दोनों में अपोजिट साइन लेंगे। सो एट बॉटम टेंशन ई माइनस एमजी इज इक्वल टू, घूमने के लिए क्या लगता तो एमजी स्क्वायर अपॉन आर बराबर लिख दिया मैं बराबर। पर वो क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन वहां पे अच्छे से पढ़ा होगा तो लेट थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द न्यूमेरिकल इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है क्या? और मैंने ऊपर एक लाइन अंडरलाइन कर रहा है, सेक्टर फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द सेक्टर फोर्स टू द सॉरी फोर्स टू They just calculate minimum and maximum kinetic energy of the stone during the entire surface. And it's your exact position is perpendicular. वैसा नहीं है कुछ, थोड़ा एंगल में। मैंने समझ के चलो ये अगर ऐसा आया यहाँ पे उसका एमजी तो नीचे एक्ट होगा बट इसका टेंशन जब उधर एक्ट होगा तो इसके कंपोनेंट भी दिख गए एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, सॉरी कंपोनेंट इसके नहीं निकलना है, कंपोनेंट निकलना है एमजी के। एक निकलेगा ऐसा एमजी कॉस थीटा और एक निकलेगा ऐसा एमजी साइन थीटा और इसके अलावा ये रहेगा समझे? एम जी लिख लेने से काम नहीं होगा, यहाँ पर इसका कंपोनेंट लिखना पड़ेगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर देगा। ये चीज यहाँ पे ऐड ऑन होगी बराबर है। अभी हम क्या बोलते हैं, टेंशन इज नथिंग बट द वेट, नथिंग बट द वहां पे अपन उसको रिप्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, वो जितना है ना वहां पे उनका वो लिखना जरूरी है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन वन में ये वैल्यू थी कंपनी, हाफ एमपी स्क्वायर माइनस मैक्स माइनस मिनिमम इक्वल टू ई मैक्स काइनेटिक मैक्सिमम माइनस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर डैश। आर डैश मीन्स क्यों, क्योंकि वो वर्टिकल वाला लिखा ना अपन ने, तो आर की वैल्यू चेंज हो रही वहां पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी। अभी आर की वैल्यू है ना, सिर्फ इतना ब्रैकेट रहेगा, कौन सा वो आप लिखा है, आर वन माइनस कॉस थीटा, वही है ना, आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वी मैक्स का वैल्यू कितना है रे, 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। तो हाफ मास का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻³। बट तीनों जगह मास है, तो मैं क्या करता, मास कैंसिल कर देता, क्या कॉमन ही निकलने वाला था। पीछे वाले कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ बी स्क्वायर, हाफ एज इट इज। वी का वैल्यू क्या है, अभी अपने आते देखो, वी का वैल्यू ब्रैकेट में आर जी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, समझा क्या, ये है ना वी, ये वैल्यू पुट किया यहां, स्क्वायर तो एज इट इज, नो नीड टू डू स्क्वायर, समझा क्या, ये स्टेप तो क्लियर है। यहाँ पे बी के जगह वी मैक्स का वैल्यू आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी का एज इट इज है, बी के जगह ये वैल्यू पुट कर दो बी स्क्वायर की जगह, जी एज इट इज है इधर का, ये ब्रैकेट भी एज इट इज है, सिर्फ बी स्क्वायर का वैल्यू ऐड किया ना वहां पे, जगह नहीं लिखने के लिए वहां पे लिखा है, वर्टिकल है, देखो क्या लिखा है वहां पे,
वर्टिकल में क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर पोजीशन थीटा इज, थीटा इज कितना r 1 माइनस cos थीटा बराबर है ना, r 1 माइनस cos थीटा, तो ये g एज इट इज है पूरे r डैश की जगह क्या आया r 1 माइनस cos थीटा, ये g एज इट इज तो है, ये क्या है g एज इट इज तो मल मगर तो बन गया जात में ना तुम, ये इधर कट जाएगा इसको तो 50 आ जाएगा यहाँ पे 50 माइनस हाफ आर जी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा बराबर, इस तरह की प्रॉब्लम अभी इसको सॉल्व करना है। देखो हाँ ये 50 दे रखा, ये हो गया आर जी वन माइनस कॉस थीटा, ये इधर का उधर गया तो क्या होगा प्लस वन बाय टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा बराबर है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आर जी वन माइनस कॉस थीटा कॉमन, तो बचा क्या यहाँ से वन, यहाँ से वन बाय टू बराबर है, तो 50 इज इक्वल टू थ्री बाय टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा, टू इधर गया तो 100 बाय थ्री इक्वल टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा बराबर, जो जो वैल्यू हो पुट करना हो आपको तुमको 100 अपॉन 3 आर का वैल्यू कितना था 1.8 जी का वैल्यू 10 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है कितना हो गया ये 18 मल्टीप्लाई स्क्वायर डिवीजन जाएगा तो 100 बाय 3 इनटू 18 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है, तो ये सॉल्व होगा जो भी होगा 100 अपॉन 18 का 54 बराबर 54 ना यस 54 ये पूरा 1 है माइनस 1 कॉस थीटा बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स उसको भी वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करोगे ना आता ना अपना थीटा इज इक्वल टू एंगल आएगा तुम्हारा कुछ भी ओपिनियन नंबर का 4 मार्क्स